हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाना सीखेंगे, जो कि नॉर्मली हलवाई वगैरह बनाते हैं शादी वगैरह में, तो बिल्कुल वैसे ही हम सब्ज़ी बनाने वाले हैं। तो आइए उसके लिए देखते हैं हमें क्या क्या स्टेप्स करने होंगे। तो सबसे पहले मैंने एक पैन में करीब 2 टेबल स्पून सरसों का ऑयल लिया है। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल या घी भी ले सकते हैं। अब इसमें मैं सबसे पहले करीब 1 चम्मच जीरा डाल दूंगा। करीब 1/4 चम्मच मैं इसमें हींग डाल दूंगा। एक चम्मच में इसमें ये लाल मिर्च पाउडर डाल रहा हूँ। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कसूरी मेथी। अब इसे मैं ठीक से मिक्स कर लूँगा। करीब 30 सेकेंड मिक्स करने के बाद मैं इसमें ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने बारीक काट लिए हैं, वो डाल दूँगा। उन्हें थोड़ा सा मैं मिक्स कर लूँगा। इसमें अब हम स्वादानुसार नमक डालेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे करीब 5 मिनट तक हम ढक कर पकने देंगे। तो टमाटर हमारे हो गए हैं। अब हम इसमें ये करीब 4 मीडियम साइज़ के आलू बॉइल, वो हम इसमें डाल देंगे और इसे ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो बड़े आलू हैं थोड़ा सा हमें क्रश भी कर देंगे। तो आलू हमारे ग्रेवी से मिक्स हो गया अच्छी तरीके से और हमने काफ़ी आलू क्रश भी कर लिए। अब मैं करीब इसमें 1 गिलास पानी डाल दिया है मैंने। आप अगर थोड़ा ज़्यादा ग्रेवी अगर आपको चाहिए तो आप थोड़ा ज़्यादा पानी भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें 1 चम्मच गरम मसाला डाल दूँगा। और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगा और फिर से इसे करीब 5 मिनट ढककर पकने दूँगा। पाँच मिनट हमारे हो गए हैं। अब हम थोड़ा सब्जी को देख लेते हैं। तो सब्जी हमारी देख सकते हैं रेडी है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल कर इसमें हरा धनिया डाल देंगे। तो धनिया हमने इसमें डाल दिया। अब इसे मिक्स करके अब ये
सर्व होने के लिए रेडी है। आप रोटी से या पूड़ी से इसे खा सकते हैं। आप इसकी थिकनेस देखिए, ये काफ़ी थिक है इसकी ग्रेवी। अगर आपको और भी ज़्यादा थिक करनी है तो आप आलूओं को थोड़ा और मैश कर लें। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस रेसिपी, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।